हेलो बच्चों, अभी हमने इनवर्स का कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया, ये केसी सिन्हा का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्रॉन्ज मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। ऐसे सवाल आपका बोर्ड में भी आता है इस टाइप से कि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो, और उस मैट्रिक्स का क्या निकालना बोलेगा आपको? इनवर्स निकालने बोलेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए आप लोग को दो बात ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात क्या ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स दिया हो वो क्या स्क्वायर में है, वो स्क्वायर में रहेगा, लेकिन आपको इस बात को नॉलेज में रखना है कि वो मैट्रिक्स इनवर्स निकलता है, वो स्क्वायर में का स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि ये जरूरी है, दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर है तब हम लोग क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं कि इनवर्स आखिर कैसे निकाला जाता है। बहुत इजी है, देखिए ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स का मैंने सेकंड का निकाल रहा हूं, ठीक है। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा। देखिए यहां लेफ्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है सॉल्यूशन में चल रहे हो, ठीक है। सॉल्यूशन में जो हमने जो मैट्रिक्स लिया है उसको क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। सपोज लेफ्ट ए बराबर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमने लिया है कौन सा है, टू माइनस थ्री थ्री और टू टू थ्री, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका थ्री माइनस टू और टू, कितना हो जाएगा टू। तो इस मैट्रिक्स को हमने लेट कर लिया कि ये लेट ए बराबर मैंने इसको मान लिया। अब देख रहे हैं मैट्रिक्स स्क्वायर में ना, तो सबसे पहले चलिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लें। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सभी लोग को आना निकालना आता है, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे इस टू के साथ, इस टू को ढकिए, इधर छोड़िए, इधर छोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर देखिए ये टू इन टू, ध्यान दीजिए ये खत्म और ये खत्म, तो दो दुना कितना हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे पहले राइट साइड, देखिए पहले इसको गुना करेंगे, मैंने इस यहां से निकाल रहे हैं हम लोग। आप पहले से पता है कि डिटरमिनेंट निकालते समय हम लोग छह टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, छह तरह से इसको एक्सपेंड किया जाता है, तीन रो तीन कॉलम, तो मैं फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये टू यहां पर मैंने लिखा, जहां पर ये दो इसका रो और कॉलम को ढक दो, कौन सा बच गया, उसका डिटरमिनेंट ले लो, बचा कौन, देखिए यहाँ पे टू थ्री माइनस टू और टू बचा, फिर यहाँ पे माइनस होता है फॉर्मूला में और ये माइनस थ्री है, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, प्लस थ्री हो जाएगा। और अब ये जहां पर थ्री है उसका रो और कॉलम को आप हटा दीजिए, तो इसका रो और कॉलम जब हटा देंगे तो बचा कितना, टू थ्री और थ्री टू, जो बच गया क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस, अगर प्लस होगा ये साइन अल्टरचेंज होता है, अल्टरनेट होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस इसलिए हो गया क्योंकि माइनस मेरा तीन पहले से था। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इस तीन के कॉलम स्पेंड कर रहे, तो ये तीन को यहां लिखेंगे हम लोग, जहां पर तीन है उसका रो और कॉलम को ढको, जो बचा उसका डिटरमिनेंट लेंगे, टू टू और ये बच गया आपका थ्री माइनस का टू, ऐसा हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो टू इंटू ऐसे गुना करेंगे चार, बीच में माइनस होता है जो कि यहाँ पहले से माइनस है, तो प्लस कितना हो जाएगा सिक्स और प्लस का थ्री, ये कितना हो जाएगा फोर माइनस नाइन, ठीक है। पहले ऐसे फिर ऐसे और प्लस थ्री इंटू ये माइनस का फोर और माइनस का सिक्स, तो हो जाएगा कितना, ये दस टू इंटू टेन और प्लस थ्री इंटू माइनस का फाइव और प्लस थ्री इंटू माइनस का टेन, तो हो जाएगा ट्वेंटी माइनस पंद्रह और माइनस थर्टी, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए हमें ट्वेंटी माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव, ये डिटरमिनेंट निकल गया। आप यहां देख सकते हैं कि ये जीरो नहीं आया, इसलिए लिखेंगे यहां पे देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब ये क्या करेगा, जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है वो मैट्रिक्स इनवर्स को शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारा है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो कि इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको एक बार रिकैप कर देते हैं, फॉर्मूला क्या था इनवर्स का, इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये था, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मोड ऑफ ए, ठीक है ना। तो हमने डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला बात हम लोग को जो है वो माइनर, दूसरा क्या निकालना पड़ता है कोफैक्टर, और तीसरा आपको ट्रांसपोज, ये तीन काम करेगा आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट। एक बार फिर से पहला काम क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं, फिर इसका कोफैक्टर निकालते हैं,
कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो वाला कॉलम को और कॉलम वाला रो को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो इन तीनों पर ये तीनों काम करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एडवांट मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मतलब टफ नहीं है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ऐसा इसलिए ये मार्क्स भी आपका है बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे याद है कितना निकाले हम लोग, 25, वो भी कितना माइनस में, चलिए इसको यहाँ पर लिख के रखते हैं, कितना है -25, ठीक है। और आगे देखिए हम लोग, अब इसका हम लोग माइनर निकालते हैं, ठीक है। माइनर के लिए हम लोग आपको ध्यान दिला देते हैं, आखिर माइनर कैसे निकालते हैं बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आप बगल में इसको नोट भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, माइनर ऑफ ए आई जे, अगर ए आई जे का मतलब सभी एलिमेंट डिनोट करता है, कोई भी एलिमेंट, अगर मान लो यहां पर मैंने 1 रख दिया तो पहला रो पहला कॉलम का आ गया, 2, 3 रख दिया दूसरा रो तीसरा कॉलम का आ गया, ये आने की मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट को डिनोट करता है। तो माइनर का डिफिनेशन क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑप्टेंड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। इस चीज को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर से मैंने यहां पे बता दिया आपको कि माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे तो उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का निकाल रहे उसका रो और कॉलम को हटा दीजिए और जो बच गया उसका क्या ले लीजिए, डिटरमिनेंट ले लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका माइनर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं इस 2 का माइनर निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इस 2 का माइनर निकाल रहे हैं, तो अगर 2 का हम माइनर निकालेंगे तो 2 जहां पर आता है, मतलब ये पहला रो पहला कॉलम में आता है, तो पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट कर दो, यानी कि ये खत्म और ये खत्म, जो बचा सो डिटरमिनेंट ले लो, बचा कौन देखो तो 2, 3 और -2 और ये 2, यानी कि ये कितना देगा 4, बीच में माइनस माइनस होता है और यहां पर माइनस के प्लस कितना देगा 6, तो ये 10, माने ये 10 जो आया वो क्या आ गया, 2 का माइनर आ गया, ठीक है ना, 2 का माइनर आ गया। हमारा डिफिनेशन भी यही कहता है कि जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का रो और कॉलम को आप डिलीट कर दो, जो बच गया उस जो बचा एलिमेंट उस मैट्रिक्स में उसका डिटरमिनेंट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनर असाइन करता है। कोफैक्टर के लिए ये चीज आप नोट कर सकते हैं, बगल में कोफैक्टर देख लीजिए, कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखें, माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, हमेशा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं माइनर को, ठीक है ना। कोफैक्टर कैसे होता है, कोफैक्टर देखिए ध्यान दें, फॉर्मूला आता है इसका, -1 का पावर i + j लिखो, i + j, i का मतलब नंबर ऑफ रोज और j का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, इंटू माइनर, इंटू क्या हो जाएगा माइनर, माइनर ऑफ जिसका भी निकाल रहे हैं ए आई जे का, माइनर का कोफैक्टर ए आई जे का निकाल देते हैं, वहां पे माइनर वही होगा, आने की ध्यान दीजिए यहां पर। कोफैक्टर मतलब सिंपल सा बात है, माइनर निकल गया, माइनर निकालने के बाद हम लोग कोफैक्टर निकालना पड़ता है, तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, कोफैक्टर माइनस, ध्यान दीजिए यहां पर, -1 का पावर i + j, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर देखो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक साथ इसका अगर मैं कोफैक्टर इसका एक साथ अगर मैं कोफैक्टर निकाल देता हूं, माइनर और एक साथ ही निकालना है मुझे, तो अगर मैं 2 का कोफैक्टर ले रहा हूं तो 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर i + j, और i क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, और j क्या करता है नंबर ऑफ कॉलम, किसका, जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब हमने यहाँ पे 2 का निकाला, तो 2 का नंबर ऑफ रो का मतलब कौन सा पोजिशन, इसका पोजिशन लिखना है, तो देखिए पहला रो और पहला कॉलम में रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 + 1 × माइनर, तो माइनर क्या होता है सिंपल माइनर, यहां तो अभी दिखा दिया आपको 3 - 2 2, तो ये आपको डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर, डायरेक्ट कोफैक्टर निकल जाएगा, इसका अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप पहले माइनर निकालिए फिर कोफैक्टर निकालिए करके, या फिर आप एक ही साथ कोफैक्टर लेते चलिए तो एक ही साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे यूज करना था, इस चीज को मैंने आपको बता दिया, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकले, कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए यहां पे,
कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारा निकलेगा, मैं हम लोग डायरेक्ट एक ही बार में निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम लोग इस टू का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आप अल्टरनेटिंग प्लस माइनस भी बैठा सकते, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस टू का निकाल रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं माइनस वन का पावर आई प्लस जे करेंगे, ठीक है ना, आई प्लस जे करेंगे, तो जहां पर इवन होगा इन दोनों का सम वहां पे प्लस देगा, और जहां पर इन दोनों का सम क्या होगा ऑड होगा वहां पे क्या देगा माइनस। तो हम यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वन वन, यानी कि दोनों का सम इवन आएगा। तो पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे करके तो हम लोग अल्टरनेटिंग भी बैठा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ इस टू का निकाल रहे हैं, तो जब इस टू का निकाल रहे हैं तो ये खत्म और ये खत्म, तो कितना हो जाएगा दो तीन चार, और माइनस कितना हो जाएगा छह। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका डिलीट ये डिलीट जो हो जाएगा डिमांड ले लेंगे, तो दो दुनी चार और तीन दुनी छह, तो प्लस का टेन हो जाएगा। डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना, टेन निकल गया। इस माइनस थ्री का निकालेंगे, तो जब माइनस थ्री का निकालेंगे तो इसका रो को हटाइए, कॉलम को हटाइए। देखिए रो और कॉलम तीन जहां पर है उसका रो और कॉलम हटा दीजिए, तो बच गया अपन देखिए दो तीन तीन दो, यानी कि दो तीन तीन दो, तो इसका डिमांड लेंगे कितना लगा, तीन चार और माइनस नाइन कितना आ गया माइनस का फाइव, ठीक है। अब देख रहे हैं इस एलिमेंट कितना, इसका पोजीशन कितना वन टू, यानी कि ये हमारा क्या ऑड है, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव पहले से फिर से नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस थ्री का निकालिए, जब थ्री का निकालेंगे हम लोग एक करके देख लीजिए, थ्री का जब निकालेंगे, इस थ्री का निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हटा दीजिए, तो ये बच गया, इसका डिमांड ले लो टू थ्री और थ्री माइनस टू, तो कैसा हो जाएगा ये देखिए, माइनस का चार और ये माइनस का नाइन, तो पांच और चार कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए दो दूना चार हो गया और बीच में माइनस तीन तीन हो, तो ये नौ चार कितना हो गया तेरह, और इसका पोजिशन कितना देखिए, तो इसका पोजिशन आप एक बार ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पोजिशन मैट्रिक्स को आप नकल कर लीजिए ऐसे, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री और ए थ्री वन, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो ये थ्री ये कितना हो जाएगा थ्री थ्री होगा ऐसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस माइनस थ्री का निकाल चुके हैं हम लोग, नहीं टू का भी निकाले, माइनस थ्री का निकाले, अब इस थ्री का निकालते हैं। जब इस थ्री का निकालेंगे तो इस थ्री का पोजिशन ये कितना है ए वन थ्री ना, ए वन थ्री है, उन दोनों का सम क्या इवन है। तो देखिए इस रो को खत्म करिए, कॉलम खत्म करिए, बच कौन रहा, देखिए दो 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 और तीन माइनस दो, ये भी बच रहा है, तो जब इसका हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे तो माइनस चार, ठीक है, माइनस चार और इसका कितना देगा माइनस छह, तो कितना मिल गया माइनस का दस। और जबकि इसका पोजिशन क्या देखिए, तो वन प्लस थ्री फोर है, तो फोर बड़ा क्या चीज होता है इधर होता है, तो इधर में क्या होगा प्लस, आने की पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये प्लस गुना होगा इसके साथ, तो ये मुझे क्या मिलेगा माइनस दस ही मिलेगा ना। चलिए इसी तरह से इस टू का निकालेंगे, जब इस टू का निकालेंगे तो ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, ठीक है, ये रो और ये कॉलम दोनों खत्म हो जाएगा। तो जिस एलिमेंट का निकाल रहे उसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बच गया उसको क्या ले लेना है, डिटरमिनेंट ले लेना है। तो यहाँ पे आपको माइनस थ्री बचा, देखिए यहाँ पर इस टू का निकाल रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा, और ये जिधर मैं एरो किए इसको डिलीट कर देना, ये खत्म और ये खत्म, तो बच कौन रहा है माइनस तीन और ये तीन, फिर यहाँ पे माइनस दो और दो, फिर इसका क्या लेना है डिटरमिनेंट ले लेना है। जब गुना करेंगे पहले इधर से गुना करना है, तो माइनस कितना हो जाएगा सिक्स, और बीच में माइनस होता है ना, बीच में माइनस होता है और फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है, और ये माइनस फिर से माइनस सिक्स ना, तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स और माइनस माइनस ये प्लस सिक्स, तो ये क्या देगा जीरो, ठीक है। तो इसका क्या निकल गया कोफैक्टर जीरो, ठीक है। इसी तरह से फिर इस टू का निकालेंगे, हर एक एलिमेंट को निकालना है आपको, तो अब इस टू का निकालेंगे कैसे निकलेगा इस टू का, अब जहां पर ये टू है मतलब बार बार एक ही बात है, जहां पर टू है उसका रो मतलब जिस एलिमेंट का निकाल रहे उसका रो और कॉलम को आप डिलीट कर दो, तो ये रो और कॉलम हट गया, तो बचा ये दो और ये तीन, तो दो और तीन यहां से तीन और दो, ठीक है ना, तीन और दो, एक बार देख लो ये था ना इस टू का निकाल रहे, तो ये खत्म और ये भी खत्म, तो टू थ्री और थ्री टू, कैसे बच गया, इसको गुणा करें कितना मिलेगा फोर और माइनस का नाइन, तो कितना कितना बन जाएगा माइनस का फाइव, ये बनेगा। अब देखिए इसका पोजिशन कितना है, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, यानी ये वाला है, आप देख रहे हैं कि जो इसका पोजिशन है दो का पोजिशन कितना है टू प्लस टू, तो इन दोनों का सम क्या है इवन है, इवन है माने चार है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कि इसके साथ जब पॉजिटिव गुना करेंगे तो नेगेटिव पहले से था
अब फिर से कोई चीज गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव ही रहेगा। नहीं, फिर देखिए थ्री का निकाल दें। अब इस थ्री का अगर हम लोग निकालें, इस थ्री का जब लेते हैं हम लोग, तो इस थ्री का लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए वही रो में है, इस रो को हटा दीजिए, कॉलम को हटा दीजिए, देखिए रो और कॉलम, तो बच कौन कौन रहा है, देखो टू माइनस का थ्री और थ्री माइनस का टू, इसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है, तो माइनस का चार और माइनस माइनस प्लस का नाइन, तो प्लस का पांच बचेगा, और इसका सम देखिए आपका क्या है, इसका पोजिशन कितना, टू थ्री है, इसका सम क्या आ जाएगा, ऑड आएगा, तो ऑड आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस का फाइव, ठीक है ना, माइनस का फाइव। पोजिशन आप देखिए बेटर मैन निकालिए, साइन यहां पर मैंने आपको साइन कन्वेंशन लिख दी है, ठीक है। इसी तरह से इस थ्री का निकालेंगे, थ्री का लेंगे हम लोग, तो इस थ्री का जब लेंगे तो इस थ्री का लेंगे तो ये रो ये कॉलम रहा, ये रो रहा, तो माइनस थ्री और थ्री टू थ्री, ठीक है, तो हो जाएगा कितना, माइनस का नाइन और माइनस का सिक्स, तो नौ छ पंद्रह, और इसका सम इवन है इसलिए माइनस पंद्रह ही रहेगा ना। इसी तरह से फिर इस टू का निकाले, इस टू का निकाले तो ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, तो दो तीन दूनी छ माइनस छ, तीन दूनी छ माइनस छ जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर इस टू का निकालेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, ठीक है ना, इस टू का निकाले तो ये खत्म, ये खत्म, तीन दूनी छ माइनस छ, और इस टू का निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम, दो दूनी चार और प्लस का सिक्स, तो प्लस कितना जाएगा, टेन, नहीं टू माइनस थ्री और टू टू है ना, तो दो दूनी चार और माइनस प्लस का सिक्स, तो ये कितना बन गया, प्लस का टेन, और जो कि इवन है तो कितना बन जाएगा, प्लस का टेन, नहीं तो ये हमारा क्या निकल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, नहीं तो लेट लेट सी, मतलब सी का ट्रांसपोज हम कर लेते हैं, इसको से कर दिया, सपोज कि ये सी है, सी मैट्रिक्स मैंने इसको मान लिया, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज का मतलब कि कितना जाएगा, दस पांच माइनस दस और जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव और माइनस फिफ्टीन जीरो और टेन हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब हो जाता है रो वाला कॉलम, मतलब ये रो कॉलम रो है, पांच पांच दस माइनस दस हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, देखिए जीरो माइनस का फाइव और ये कितना हो जाएगा, माइनस का पंद्रह और जीरो और कितना जाएगा, टेन। तो यानी कि ये हमें क्या दे दिया, ये मिल गया आपको एडजॉइंट ऑफ ई, ठीक है ना, तो हमने एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना, और इसका डिटरमिनेंट मुझे पहले से पता था, तो जो इनवर्स आएगा वो इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, देखिए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, इनवर्स हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मोड ऑफ ए। तो आपको पता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना लाया हमको, एडजॉइंट मैट्रिक्स ये 10 0 माइनस का 15 और 5 माइनस 5 0 और कितना है, माइनस 10 माइनस 5 और 10, ठीक है ना, इसका डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दे, डिटरमिनेंट कितना लेकर निकाल लेते, माइनस 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप क्या करो, या तो इसको सभी डिवाइड कर दो या ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये भी आंसर हो जाएगा, ऐसे करके 10 0 माइनस 5 और 5 माइनस 5 0 माइनस 10 माइनस 5 और 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, एक क्वेश्चन में है और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं।